मित्रों नमस्कार, भारत दर्शन विद डीपी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो अपना देश कार्यक्रम के तहत आईआरसीटीसी ने श्री राम जन्मभूमि दर्शन और पूरी गंगा सागर यात्रा के साथ कोलकाता भ्रमण के लिए भारत दर्शन स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस वीडियो में हम आपको अवगत कराएंगे कि यात्रा कुल कितने दिनों की होगी, आईआरसीटीसी कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, आपके दर्शनीय स्थल कौन कौन से होंगे, यात्रा पैकेज की कुल धनराशि कितनी होगी और बोर्डिंग तथा डी बोर्डिंग की सुविधा कहां कहां से उपलब्ध होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो प्राप्त होती रहें। जय श्री राम। जो भी यात्री इस यात्रा पैकेज का लाभ ले रहे हैं उनकी यात्रा सुखद एवं मंगलकारी हो। यह यात्रा पैकेज कुल 10 दिन और 9 रातों का होगा। अगर हम सुविधाओं की बात करें तो इसमें आपको स्लीपर क्लास की सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें यात्रियों को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो प्योर वेज होगा उपलब्ध होगा। लोकल साइट सीन नॉन एसी रोड ट्रांसपोर्ट से होगा, जिसके लिए 55 सीटर बस की सुविधा उपलब्ध होगी और रुकने के लिए नॉन एसी डॉर्मेट्री या हॉल की सुविधा उपलब्ध होगी तथा यात्रियों का ट्रेवल इंश्योरेंस भी होगा। इसके अतिरिक्त लॉन्ड्री, मेडिसिन और विभिन्न मोनूमेंट्स और मंदिरों की एंट्री फीस आपको स्वयं वहन करना होगा। मित्रों आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन और ग्रीन रखने में मदद करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। मित्रों यात्रा का प्रारंभ ताज नगरी आगरा से होगा। इसकी बोर्डिंग और डी बोर्डिंग स्टेशन आगरा, ग्वालियर, झांसी, उरई, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, जौनपुर और बनारस होंगे। यात्रा का प्रारंभ 21 मार्च 2022 से होगा और यात्रा समाप्ति 30 मार्च 2022 को होगी। इस यात्रा पैकेज में जो भी यात्री जौनपुर एवं बनारस से बोर्डिंग करेंगे उनके लिए अयोध्या दर्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। वो अपनी यात्रा बोर्डिंग स्टेशन के आगे के स्थलों से प्रारंभ करेंगे। अब हम आपको अवगत करा दें कि यात्रा के दर्शनीय स्थल कौन कौन से होंगे। यात्रा में सर्वप्रथम आपको श्री अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों के दर्शन प्राप्त होंगे। तत्पश्चात सरयू आरती में सभी भक्तगण सम्मिलित होंगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन होंगे। यात्रा में वैद्यनाथ मंदिर दर्शन, गंगा सागर के मंदिरों के दर्शन प्राप्त होंगे और कोलकाता में काली मंदिर के भी दर्शन प्राप्त होंगे। इसके बाद पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन और कोणार्क में सूर्य मंदिर के दर्शन प्राप्त होंगे। यात्रा के अंतिम पड़ाव में गया में श्री विष्णुपाद मंदिर के साथ अन्य स्थानीय मंदिरों का दर्शन लाभ प्राप्त कर वाराणसी वापसी होगी। जय श्री राम। अब यदि हम इसकी यात्रा टैरिफ की बात करें तो आईआरसीटीसी का यह यात्रा पैकेज बहुत ही शानदार है। इसमें सिर्फ एक ही श्रेणी अर्थात स्लीपर क्लास की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए इसका पैकेज भी एक ही मात्र 9,450 रुपये का है। तो जिन श्रद्धालुओं के पास समय की उपलब्धता है वह इस यात्रा पैकेज का लाभ अवश्य उठाएँ। जय श्री राम। मित्रों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और यदि कोई सुझाव है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। आईआरसीटी से जुड़े यात्रा पैकेजों एवं अन्य दर्शनीय स्थलों की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।